मेरा फेवरेट हीरो दिखाऊं? तो अगर गाइज आप लोग मुझे इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देते रहना। इस वीडियो में गाइज मैं आपको इसी वीडियो की एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। तो गाइज सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में दोस्तों काइनेमेटिक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको 9.16 का इशू सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको सिंपली मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल कैमरे से दोस्तों कुछ इस तरीके से एक वीडियो शूट कर लेना है, जिस तरीके दोस्तों मैंने किया आपको भी कुछ उसी तरीके से एक वीडियो को शूट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आप जो अच्छी तरीके से एक्टिंग करके अपने वीडियो को शूट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है सिंपली क्या करना होगा, आपको उस पार्ट को कट कर देना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ अपने वीडियो में यहाँ तक ही इस पार्ट को रहने देता हूँ और यहाँ से दोस्तों क्या करना होगा, कैची वाले ऑप्शन में जाकर इस वाले पार्ट को कट कर देना है और दोस्तों क्या करना है, जो आपके वीडियो में स्टार्टिंग में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी क्या करना है, आपको कट करना है। जिस तरीके दोस्तों मैं कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों क्या करना, जब आप कहते हैं कि मेरा सुपर हीरो बताऊँ तो क्या करना होगा, यहाँ पर ही आप वीडियो स्टॉप करना है, कैची वाले ऑप्शन पर जाना है, इस वाले पार्ट को भी कट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से राइट के मार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको वीडियो के एंडिंग पार्ट में आना है दोस्तों और वीडियो पे टैप करना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या करना होगा, आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग का, इस पर क्लिक करना है और वीडियो को दोस्तों इस तरीके से आपको जूम कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से राइट के मार्क पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको सिंपली आपको दोस्तों फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक महादेव का वीडियो दे रखा है, सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस वीडियो को यहाँ पर लगा देना है। चलो दोस्तों मैं जैसे कि उस वीडियो को यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पर दोस्तों जब दोस्तों आपको यहाँ पर महादेव की पिक्चर आपको देखने को मिलती है दोस्तों, तो यहाँ तक ही दोस्तों क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो को रखना है दोस्तों और साइज़ को इस तरीके से आपको बड़ा बना देना है, फुल स्क्रीन कर देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक रखना है आपको, फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आप नीचे की ओर स्लाइड करना है दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, इस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डार्कन का, तो यहाँ से दोस्तों क्या करना होगा, आपको उस डार्कन को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से राइट के मार्क पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको फिर से वीडियो पर टैप करना है, ठीक है दोस्तों। नीचे की ओर स्लाइड करना है, क्रोमा की पर जाना है और यहाँ से की कलर को दोस्तों आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है, राइट के मार्क पे क्लिक कर देना है और उसको इनेबल भी कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो वीडियो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेरा फेवरेट हीरो दिखाऊं, ठीक है दोस्तों। आप चाहे तो इस फोटो को भी और भी ज्यादा जूम कर सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूं दोस्तों, आप वो भी फोटो को जूम कर सकते हो और भी जितना चाहे उतना जूम कर सकते हो और यहाँ से राइट के मार पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दो एक्स्ट्रा पार्ट है, सिंपली कैची वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ से पार्ट को कट कर देना है और यहाँ से राइट के मार पे क्लिक कर देना है, सिंपल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको उस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट करके आपको उस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। आई होप गाइस आपको जो वीडियो पसंद आएगा, अगर गाइस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।